सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो, बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। रिश्ते चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है भरोसा। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। आज का पंचांग 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 4:44 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 1:27 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 1:27 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार, किसी दुर्घटना या चोट की वजह से मुकदमे की संभावना है। कड़ी मेहनत अभी जरूरी है जो आप पर निर्भर है, उनका ध्यान रखें, जैसे बच्चे और आपके पालतू जानवर। सेवा करना या स्वयं सेवक के रूप में कार्य करना अभी आपके लिए एक अच्छा अनुभव होगा। आपने अपने काम में आज से पहले कभी भी इतना संतुष्ट महसूस नहीं किया होगा। अन्य लोग आपको जो सुझाव देते हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद है। सही जगह पर और सही समय पर सही विचार व्यक्त करना वास्तविक चुनौती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज का दिन और पल सर्वोत्तम है। आप ऊर्जा से भरपूर हैं और आशावादी सोच रखते हैं। कुछ दिन पहले तक जो भी चीजें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थी आज उतनी नहीं दिखेगी। आपके दृष्टिकोण की दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। आज के दिन अपनी सोच विचार और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। खास लोग ऐसे किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार रहेंगे जिसमें संभावना नजर आए और विशेष हो। बुजुर्ग और परिवार के सदस्य स्नेह देंगे, ख्याल रखेंगे। आज के दिन अपने प्रिय की भावनाओं को समझें। कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से बचे नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बातें करें। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगी। उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास करें, निश्चित है आपको सफलता मिलने वाली है। किसी अनुभवी व्यक्ति के वार्तालाप से कोई पारिवारिक मामला भी हल होगा जिससे सुकून और शांति भी मिलेगी। यदि कोई दुविधा है तो फिलहाल इस बारे में विचार ना करें। आर्थिक स्थिति में नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल आप काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, इस वजह से नकारात्मकता बढ़ सकती है। प्रयत्न करने के साथ साथ अपने विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उन्हें अपेक्षा के अनुसार नौकरी मिलेगी। लालच में गलत काम स्वीकार ना करें। लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चिंताओं से भी बचें। विवादों को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। शारीरिक कमजोरी और बदन दर्द का कारण जानना होगा लेकिन इस तकलीफ को दूर करने में वक्त भी लगेगा। भाई व बहन का आपको पूरा साथ मिलेगा। कुछ घरेलू समस्याएं आपके लिए नया तनाव लेकर आ सकती है। आप अपने सेहत में ढील ना दें, नहीं तो कोई पुरानी बीमारी नया मोड़ ले सकती है। आप अपने बच्चों के मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करें, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकती हैं। आप अपनी उन्नति के राह पर चलेंगे और भाई व बहनों को आपको पूरा साथ मिलेगा।
आपको अपने किसी साथी से अपने मन की बात को कहने का मौका भी मिलेगा। सावधानी, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने न दें। पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें, क्योंकि इस वजह से धन तथा मान सम्मान दोनों की हानि हो सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट बिल्कुल न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो पूरी उम्र आपका साथ देंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी को कम समय दे पाएंगे। आपका रोमांटिक मूड प्यार में आपके उत्साह को और भी बढ़ा देगा। यह समय आपके लिए बहुत संतोषजनक है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दें ताकि आप खुद के काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। आज आपका दिल प्यार के गीत गा रहा है, क्योंकि आपकी लव लाइफ स्मूथ और रंगीन है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटकर शांति से अपने संबंध को तर्क की कसौटी पर भी परख कर रखेंगे। आप अपने पार्टनर के बारे में मिली किसी सूचना को नजरअंदाज करते आ रही हैं, लेकिन यह जान ले कि ऐसा करने से उसकी अहमियत या प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा। अपने संबंध के बारे में विश्लेषण करते हुए आपको उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको इस समय कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। बात करते हैं करियर की। धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी और कौन गैर जरूरी है, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा, और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपके मेहनत और उस प्रौद्योगिकी के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा। आज दोस्तों के साथ समय बिताकर आप न केवल अपने उदासी से छुटकारा पाएंगी का प्रदर्शन भी कर पाएंगी। अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में बढ़ावा करके आप मार्केट में धूम मचा सकती हैं। इसे खास से मिला धोखा आपके लिए भविष्य में सबक साबित होगा। जीवन के इस चरण में आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आज दूसरों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दें। सही समय पर और सही जगह पर अपना विचार व्यक्त करना ही जीवन की असली चुनौती है। यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का समय बेहतरीन है। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, तो शुरुआत में कुछ व्यवधान आएंगे। हालांकि वर्तमान गतिविधियों में आपको अपनी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों की पेपर वर्क करते समय गलती हो सकती है, किसी सीनियर का सहयोग लेना उचित रहेगा। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। अपने आप को धरती से जुड़े कार्यकलाप जैसे बागवानी और प्राकृतिक दृश्यों के बीच सैर करने के लिए प्रेरित करें। आपको अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए अपने अंदर गहराई से झांकना होगा। बाहरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर फोकस करने की अपनी योग्यता को कम न करें। मानसिक शांति और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योग की प्रैक्टिस करें। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु जी को नारियल चढ़ाएं और पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।